कोविड-19 टीकाकरण अभियान का 16 जनवरी को किया जाएगा शुभारंभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की प्रेस वार्ता। मैनपुरी जनपद में टीकाकरण के नियमित संचालन हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 14 जनवरी की देर शाम आगरा मंडलीय वैक्सीन डिपो से पुलिस अभिरक्षा में कोविड-19 वैक्सीन की 8,700 डोज आपूर्ति की जा चुकी है। 16 जनवरी को जनपद के 3 सत्रों पर बर्न वार्ड जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागीर राष्ट्रीय टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। ये कल हम लोगों को वैक्सीन यहाँ से प्राप्त हो गई थी आगरा से शाम को, और इसमें जो है अभी हम लोगों को 3 सत्रों पर लॉन्च सेशन करना है और एक सत्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। इस प्रकार अभी हम लोगों को कल 300 लोगों को वैक्सीन लगाना है, जिसमें हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी एवं निजी संस्थानों के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो उनको जो चिन्हित करके लगाया जाएगा, और इसका लॉन्च कार्यक्रम भी दिखाया जाएगा जो दिल्ली से कनेक्ट करके, और हमारे प्रधानमंत्री जी इसका लॉन्च कार्यक्रम करेंगे। किस किस जगह पर सर ये कल लगेगी? ये कल ये जो है जिला चिकित्सालय के पर एक सत्र लगेगा, एक जागीर सीएचसी पर और एक कुचेला सीएचसी पर सत्र लगेगा। सर तीन जगह पर लगेगा। कितने लोगों को सर प्रथम? 300 लोगों को इसमें करना है, जैसा कि अभी हम बता चुके 300 लोगों को लगेगा। उसके बाद जो निर्देश होंगे इसमें हमें हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो 7,051 स्वास्थ्यकर्मी अब तक चिन्हित हुए हैं, जिसमें 6,041 से लगभग ये सरकारी क्षेत्रों के हैं और 1,040 निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधि हैं।